करबला वही पहुंचा जिसने अपना पूरा वजूद हुसैन इब्ने अली को दे दिया, वही पहुंचा। आपके सामने मिसालें हैं सारी। इमाम गुजरे, इमाम ने कहा, वो शख्स ने कहा, मौला वो पानी जो है वो कुएं का वो कड़वा है और ये है वो है। इमाम ने लाबे धैन से उसको मीठा कर दिया, मौजा दिखाया है, मौजा देख रहा है। इमाम ने बोला चलो हमारे साथ, हम जा रहे हैं। कहा मौला वो मौजा देखा हुआ शख्स क्या कह रहा है? मौला मैं नहीं जा सकता, मौला मेरा घोड़ा ले लें, मेरा तलवार ले लें, यानी मेरी मैं हेल्प कर दूंगा मौला, मैं डोनेशन दे सकता हूं मस्जिद को, लेकिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता, मैं डोनेशन दे दूंगा आपको, आप कर लें। भाई अपना किरदार भी तो अदा करना है, डोनेशन से थोड़ी काम चलता है। खाली वहां भी पब्लिक ऐसी थी, मौला डोनेशन ले ले, हम नहीं आ सकते मौला। मौला का मुझे तुम्हारी डोनेशन नहीं चाहिए, इशारा करूं पूरी कायनात हाथ में आ जाएगी। ऐसे इमाम इसी को कहते हैं हजदाने मोहतरम, इमाम को कदमी थी खजानों की? नहीं, इमाम को गौहर चाहिए थे ऐसे कि जो कयामत तक डूबी हुई इंसानियत को बचाए, ऐसे गौहर इमाम को चाहिए थे। इमाम ने ऐसे लोगों को चुना। सईद जो बैठा हुआ कारवान से कारवान साथ साथ मक्का से चलता आया चलता आया चलता आया, इधर खैमे इमाम के इधर खैमा उसका, खाना खा रहा है, लुकमा हाथ में है, आवाज़ दी, कहा कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली का कासिद आया है। वहीं रुक गया। कहा उसी दिन का डर था जो मैं सोचता था। जौजा ने पूछा क्या हुआ? कहा अगर इमाम ने बुला लिया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। कहा तो इससे बेहतरीन को बात ही नहीं है। गया वापस, निशान इधर जवादी रिजवानुल्लाह ताला अलैह पढ़ा करते थे कि सईद के कदम कासिद इमाम के कदमों पे कुछ देर पड़े, सईद की तकदीर बदल गई, तकदीर बदल गई। आया उसने, सबको बोला तुम जाओ, सबको हिसाब किताब ख़त्म किया, अपनी जौजा को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, कहा तुम लोग जाओ। ये दास्तान सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको तारीखी बात बताएं और आप सुने घर चले जाएं, नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, ये इसलिए है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ करबला में। उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, वो तो इमाम खुद बता गया कि मेरे असहाब जैसा कोई नहीं हो सकता।